अरे स्पीकर को लेकर राहुल गांधी बोले हैं कि बीजेपी ने हमसे समर्थन मांगा। राहुल गांधी ने कहा है डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए, यह भी राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर को लेकर राहुल गांधी बोले हैं कि बीजेपी ने हमसे समर्थन मांगा था और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होना चाहिए। तो जो अभी जानकारी मिल पा रही है उसमें यही निकलकर सामने आया है कि स्पीकर का जो पद है वो एनडीए के पास भी और जो डिप्टी स्पीकर है इसे विपक्ष को दिया गया है। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है, तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। यूपीए के समय में हमने दिया था, तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। और स्पीकर पद को लेकर अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये सब सामने आ जाएंगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। अभी सामने आपको दिखाई देगा, इसी सीढ़ियों के बाद सदन है।